एक तरफ सरकार किसानों को सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे कर रही, वहीं दूसरी तरफ किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। जनपद उन्नाव की तहसील सफीपुर की ग्राम सभा जसरा मारूफपुर के किसान जटिल समस्या से जूझ रहे हैं। यहां के सारे ट्यूबवेलों ने पानी देना बंद कर दिया है। किसान 2 से 3 हजार फीट की जीन बिछाकर पानी लेने को मजबूर है। इससे उन्हें ज्यादा लागत लगाकर फसल तैयार करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि तैयार फसल की कीमत पानी की वजह से लागत के नीचे चली गई तो वह कर्ज में भी डूब सकते हैं। यहां के प्रधान जमुनाधर शुक्ला का कहना है कि क्षेत्र में एक माइनर है जो कि 15 गांवों को जोड़कर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता था, परंतु पिछले 3 वर्षों से उसमें पानी नहीं आ पा रहा है। कारण यह है कि उसकी सफाई ढंग से नहीं करवाई गई। 1 वर्ष पहले माइनर की सफाई करवाई गई थी, परंतु इस बार वह जस का तस है। उन्होंने जिले के उच्चाधिकारियों से अनुरोध किया है कि किसानों की इस समस्या से उन्हें निजात दिलाई जाए। TV24 समाचार के लिए उन्नाव से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. क्या नाम है आपका? शिवकांत। पानी की समस्या है, सिंचाई में पानी की समस्या, पानी काफी दूर से लाना पड़ रहा है आपको। हाँ, 2400 फीट जीन आपने बिछा रखी है। हाँ। काफी महंगा पड़ रहा होगा। हाँ। खेतों को सींचना। अरे ये तो पानी जो समझ लो ये दे रहे हैं, ये इनकी यह कृपा है जो कि यहाँ यह फसल कर रहे हैं आपको। नहीं, कोई सधने नहीं है, न बोर है, न इंजन है, कुछ है नहीं। यहाँ है माइनर भी तो है आपके यहाँ। माइनर तो माइनस पानी कहाँ आवत है, यहाँ कब आवा पा रही बताओ। क्यों नहीं आ रहा माइनर में पानी, क्यों नहीं आ रहा है माइनर में पानी, क्यों नहीं आ पा रहा? नहीं आवती है, क्या कारण है? सफाई तो सब होती है, 12 साल बैठे सफाई गए हैं, सफाई है। लेकिन अगर सफाई ढंग से होती तो पानी आता। हाँ, ढंग से होता तो आता। पीछे खाली अगर बांध दी जाए, वो पीछे वाली उगू वाली नाला, बस वही का हमका जरूरी है, वो बन गया तो पानी बराबर आई। क्या नाम है आपका? प्यारेलाल। प्यारेलाल, नाम है आपका? राकेश। राकेश, किस गांव के निवासी हैं? मारूफपुर के हैं। जसरा मारूफपुर। क्या समस्या है आपके यहाँ? ये पानी की किल्लत जो है ये ऐसी क्यों है? अरे साहब, यहाँ पानी ही नहीं है, बहुत दूर से पानी आवती है। 2400 फुट जीन पड़ी है। 2400 फीट जीन पड़ी हुई है? 2400। वहाँ कैसे, वहाँ से पानी कैसे आ रहा है? फीटर द्वारा आ रहा है। हाँ। वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह है? हाँ, समर है उधर, समर है, वहाँ से आ रहा है। तो यहाँ आपको नजदीक में पानी कहीं उपलब्ध नहीं है? नहीं, नहीं, कहीं नहीं। आपके यहाँ बोर वगैरह? अरे वो कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है? माइनर भी है आपके यहाँ गाँव में? माइनर है तो कभी आता नहीं, उसमें कभी पानी नहीं आता है। तो काफी लागत लगती होगी इससे पानी लेने में, इस तरीके से बहुत लागत लगती है। ये जीन की कीमत कितनी है वहाँ से यहाँ तक जो आपने बिछा रखी है? ये अरे करीब करीब ये है कि खाली ये 2400 खाली किराया दे, किराया 1000 रुपए तो किराया, किराया डेली का है? डेली का 1000 रुपए आप किराया दे रहे हैं जीन का? खेत पे है यार, खेत पे। तब आप अपने खेतों को सींच पा रहे हैं? तब सींच। काफी महंगा है बजट इसका तो सभी की यही समस्या है, सबकी, सब पूरे क्षेत्र की। अगर एक साथ यहाँ हो जाए बोल तो। अरे बोर का माइनर में पानी आ जाए, अगर माइनर में पानी आ जाए तो आपकी समस्याओं का जो है समाधान हो सकेगा। हो सकता है। ठीक, धन्यवाद। आपका क्या काम करते हैं? खेती किसानी करते हैं। पानी की समस्या काफ़ी गंभीर है आपके क्षेत्र में, काफ़ी दूर से पानी आ रहा है। 2400 फीट जीन बिछाई गई है जिसका 1000 रुपये डेली किराया आ रहा है। ठीक है, तो इन समस्याओं को लेकर के क्या आपने कभी अपनी आवाज़ उठाई है? आपने किसी से बात किया है? वैसे बात में फिर सिंचाई, फिर लेबर नहीं बात किया। पानी की समस्या आपके यहाँ माइनर से है, माइनर में पानी अगर आ जाए तो सारी समस्याओं का निदान हो सकता है? हो सकता है। पानी कम पीता लगे सर, काफी परेशानी उठा रहे हैं सर, उठा रहे हैं, सिवेट परेशान है, भूखे प्यासे खाना, खाना ही खाते आ रही है।
क्या नाम है आपका? किस गांव के प्रधान जी हैं? ग्राम पंचायत दूसरा माल। क्या है समस्या आपके गांव में? समस्या सर पानी के लिए है जी। हाँ, ये सिंचाई विभाग का है उगू माइनर जी, मुंबा है, इसमें पानी आया ही नहीं 3 साल से। तो सिंचाई कैसे हो रही है? सिंचाई सब प्राइवेट बोरों से जो है पानी आता है जी। कुछ लोगों के लगा रखे हैं, उनसे करीब 1-1.5 किलोमीटर डाल के फीता झील डाल के पानी आ रहा है। काफ़ी दूर से पानी लाया जा रहा है? काफ़ी दूर से। लागत भी काफ़ी लग रही होगी? लागत क्या, फसल छोड़ रहे सब के लिए, पड़े हैं खेत नहीं बो रहा अभी। किसान परेशान है? किसान परेशान है। कितने गांव के संपर्क में आता है ये माइनर? 8 गांव के संपर्क में। इधर खेल तक पानी कभी पहुंचा ही नहीं। अच्छा, और जब इसकी जब सफाई भी होती है तो खाली घास काट दी जाती है, बाकी कोई यहाँ सफाई नहीं। क्या कारण है पानी नहीं आ पाया 3 सालों से? यहाँ पे ऊंचा है, पीछे गहरान है, और पीछे खांधी भी काट दी जाती है। अगर इसकी बढ़िया तरीके से सफाई हो जाए तो पानी यहाँ तक पहुँचे। एक बार 3 साल पहले हमने शुरुआत में इसमें प्रयास किया था, गांव के लेबर लगा के हम यहाँ पानी लाए थे, तब सिंचाई हुई थी, तब से कोई भी सिंचाई नहीं हुई। इस माइनर में पानी नहीं आया? नहीं, इस माइनर में पानी नहीं आया। धन्यवाद। कृपया अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं।